आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का प्रश्न नंबर 10। दी हुई ए बी रेखा के 5 समान भाग करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। ये जो बुक में दिया हुआ है, एक्चुअली अगर मैं बुक के हिसाब से बनाऊं, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, दोनों तरह से बता देता हूँ। अगर आप इस तरह सीधी रेखा लेंगे, ये आपकी ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, यहाँ पे आप न्यून कोण इधर को बना सकते हैं, न्यून कोण इधर को बना सकते हैं। मैं इधर दोनों तरह से आपको बता देता हूँ। देखो मैं इस तरह से यहाँ पे न्यून कोण बना देता हूँ, एक न्यून कोण मैंने बना दिया है, एक मैं यहां से बना देता हूँ न्यून कोण ऐसे, इस तरह से बनेगा। अब हमने क्या करना है, इस जो रेखा है इसके बराबर 5 भाग करने हैं। इसमें यहाँ से इसके बराबर 5 भाग करता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी। अब हम इधर को भी उतने ही बराबर 5 भाग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हम लिख भी देते हैं इसमें। ये देखिए ये आपका आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका 0 है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो 5 है इसको हमने B के साथ मिलाना है, यहाँ पे ये 5 है, इस रेखा को हम B के साथ मिला देंगे यस। और इसी के समानांतर हमने आगे रेखाएं खींचनी है ऐसे, इसके समानांतर इस तरह से, ये आपके समानांतर रेखाएं आ गई और इसके 5 भाग ये हो चुके हैं। अब आपका जो इधर को आपने क्या करना है, ये 5 है, इस 5 को आप 0 के साथ मिला दो। तो अगर आप इसी तरह से लेंगे तो ये देखिए ये आपके इक्वल भाग थे सारे, तो आपके ये इस तरह से दोहरे कट जाएंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से कट जाएंगे। बुक में जो दिया है उसके हिसाब से आपको बता देता हूं, बुक में कैसे दे रखा है, बुक में आपके पास दी हुई है तिरछी दी हुई रेखा, इस तरह से एक रेखा दी हुई है, इसका नाम दिया हुआ है ए, इसका नाम दिया हुआ है बी, आप किधर को भी कर सकते हैं। और जो एंगल दिए हुए हैं, जो आपके न्यून कोण है, वो बिल्कुल सीधे दिए हुए हैं इस तरह से, इस तरह से दिए हुए, इसी के समानांतर यहां से जो है वो रेखा लगाई हुई है इस तरह से, इसी के समानांतर रेखा है एस, बुक में जो दिया हुआ है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, मतलब कि ए बी रेखा को आप सीधा भी ले सकते हैं और ए बी रेखा को आप तिरछा भी ले सकते हैं। और वही मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ से बराबर हिस्से में आपने चापे लगानी है, 1, 2, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपका 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, आपने 0 से या B से जो है वो 5 को मिला देना है इस तरह से डॉटेड। अब ये 1 है और ये 4 है, इन दोनों को आपस में मिला लो ऐसे, ये 2 है ये 3 है इसको डॉटेड मिला लो, ये 3 है ये 2 है इसको डॉटेड मिला लो, ये 4 है ये 1 है इसको डॉटेड मिला लो, ये 0 और 5 इसको डॉटेड मिला लो, इस तरह से ये आपका एंगल जो है ऐसे ही बना सकते हैं। इस ये जो आपकी रेखा है इसका नाम आप सी दे दो, इसका नाम आप डी दे सकते हैं।
इस तरह से भी आपका ये एंगल बनता है। इधर से बनाओ चाहे इधर को बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बन के तैयार हो गए। आप इसको स्क्रीन पे भी अपने देख सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11 और वो है एक ही चित्र में दी हुई सरल रेखा ए बी का 1/2, 3/4, 5/6 भाग करते हैं। हम क्या करेंगे, 2-1=1, 4-3=1 और 6-5=1, हमारे पास आ जाएगा 1/1, 3/1 और 5/1। तो 1/1, 3/1 और 5/1, ये हमारा जो है वो आंसर बनना है। इस तरह से हमने बनाना है। चलो मैं इसको भी रेज नहीं करता हूँ, इसको भी ऐसे रहने देता हूँ और कार्य अपना शुरू करता हूँ यहाँ से। तो हमने क्या करना है, अब सबसे बड़ा हमारे पास है 5 भाग है, 5/1 है। तो हमने क्या करना है, जैसे सेम हमने 10 नंबर पे बनाया था तिरछा, वैसा ही हम यहाँ बना देते हैं। हमने ए बी रेखा लेनी है, ए बी रेखा है, और इसमें हमने न्यून कोण जो है वो बना देने हैं। एक हम यहाँ से बना देंगे न्यून कोण, बी से हम न्यून कोण बना देते हैं डॉटेड, एक न्यून कोण हमने जो है वो इसी के ही समानांतर एक काम ले लेते हैं, और ए से भी हम एक न्यून कोण बना देते हैं। अब हम इसके बराबर 5 भाग कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही बड़ा हमारा जो पॉइंट है वो 5 नंबर है। तो हम इसके 5 भाग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर को भी हम इसके 5 बराबर भाग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम इसमें नाम भी लिख लेते हैं, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, और जो रेखा इसका नाम देते हैं सी, यहाँ पर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका जो नाम हम दे देते हैं डी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास उत्तर निकालने के लिए क्या है, हमारे पास है 1/1, 1/1। तो 1/1 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, तो हमने 1/1 को आपस में मिला देना है डॉटेड लाइन पे। देखिए ये हमने 1/1 जो है वो मिला दिया है। अब पहला हम ये जो कट रहा है यह हम नाम दे देते हैं ई इसका, और फिर है 3/1, तो 3/1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, ये मेरा 3/1 आ गया। अब यहाँ हम नाम दे देते हैं F। ध्यान से देखिए, मुश्किल नहीं है, आसान प्रश्न है, और ये आपका है, अब है अपना 5/1, 5/1, तो हम 5/1 भी ले लेते हैं। देखिए 5/1, तो यहाँ पे जहाँ ये कट रहा है इसका नाम हम दे देते हैं जी, ये हमारा जी आ गया है। तो अब देखिए, अब हमारा ये एक्चुअल में क्या है, 1/2 आया हुआ है ये, ठीक है। हम इसको कैसे दर्शाएंगे, हम यहाँ पे डी से ए जितनी ये रेखा जो है वो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ से हम एक रेखा लगाते हैं ऐसे, और यहाँ से हम रेखा लगाएंगे ऐसे। ये सिर्फ हमने लिखना है इसमें इस तरह से दर्शाने के लिए कि क्या है, ये हमारा आया है 1/2, ठीक है जी। ये जो हमारा सेकेंड नंबर पे है, यहाँ भी हम एक रेखा ले लेते हैं, थोड़ी लंबी ले लेते हैं ताकि हमें इसको देखने में या पढ़ने में हमें दिक्कत ना आए। तो ये हमारी सेकेंड रो है, ये देखिए, ये हमारा जो आया है ये है 3/4 आया है, और अगला जो हमारा है ये वाला है
ये है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये जो हमारी हमारा उत्तर आया है, ये आया है 5/6। तो इस तरह ये हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, ये आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है। सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।